अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की उत्तर प्रदेश की महिला इकाई का गठन हो गया है। अब महिला उद्यमियों को एक मंच मिल गया है जिसके जरिए वे भी अपनी मांगों को शासन तक आसानी से पहुंचाने में कामयाब हो सकेंगी। इस मौके पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि महिलाओं को अब आगे आना ही होगा। महिलाओं के बिना किसी भी राष्ट्र की तरक्की संभव नहीं है। अब उन्हें नेतृत्व भी संभालना होगा। ये पहली बार है कि प्रदेश में महिला इकाई का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो रहा है और मैं ये कह सकता हूँ कि आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था। आज एक पृथक महिला इकाई का संगठन प्रारंभ हो रहा है। कोविड के प्रोटोकॉल की वजह से यहाँ पर हजारों महिलाएं एकत्रित नहीं हुई हैं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहुत बड़ा सम्मेलन व्यापारी महिलाओं का यहाँ पर लखनऊ में होगा, ऐसा भी आश्वासन यहाँ की प्रदेश की टीम ने दिया है। मेरा ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि करोड़ों की संख्या में महिलाएं व्यापार और उद्योग से जुड़ी हैं। अब अवसर है कि उनको एकजुट किया जाए, जो बाधाएं हैं व्यापार और उद्योग के मार्ग की उनको दूर किया जाए और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी को सम्मान दिया जाए। इस मौके पर लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद रहीं। उन्होंने महिला उद्यमियों की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि वह खुद व्यापार से जुड़ी रही हैं। महिलाओं का आगे आना बेहद सुगत संकेत है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे हैं, व्यापार और उद्योग संगठन में भी महिलाओं को आगे आना ही था। वे आज शपथ ग्रहण समारोह में साबित हो गया है। महिलाओं में वो सारी शक्तियाँ हैं जिसे वो जब अवसर आता है तभी वो शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं। तो अब अवसर इनको मिल रहा है और एक अवसर प्रदान किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और इस अवसर का लाभ उठाएंगी और वे आगे बढ़कर अपना अपना परचम लहराकर दिखाएंगी। और एक व्यापारियों होने के नाते से मैं भी व्यापार मंडल से जुड़ी हूँ और मैं भी व्यापारी परिवार की महिला हूँ। मेरा मायका भी व्यापारी है और मेरा ससुराल भी व्यापारी है, तो मैं स्वयं भी व्यापार करती रही हूँ। और व्यापारियों के साथ जो भी समस्याएं आती हैं, अगर उसमें कहीं संगठन खड़ा होता है तो व्यापारियों को बहुत बड़ा उससे लाभ मिलता है। और ये संगठन जो एक नन्हे से पौधे के रूप में, बीज के रूप में डाला गया था, वो आज वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है और आज उसमें महिलाएँ भी जुड़ गई हैं जो कि आधी आबादी है। उनको मैं विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कहा जाता है कि जहाँ पर महिलाओं का जुड़ाव नहीं होता वो कार्य आगे नहीं बढ़ता है, तो आज इस महिला टीम नगर में तो थी लेकिन प्रदेश में पहली महिला टीम बनी है और मुझे लगता है कि महिला टीम करने के बाद वो सर्वस्व को प्राप्त होगा और वो सारी बाधाएँ हैं उन सारी बाधाओं को दूर करने में महिलाएँ अपना सहयोग करेंगी और मेरा भी जहां तक सहयोग हो सकेगा मैं पूरी तरह से आपके साथ सहयोग करूंगी। महापौर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि महिला उद्यमियों को भी अब खुलकर सामने आना चाहिए। हालांकि महिला उद्यमियों के लिए संगठन की देरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि बदलाव हो रहा है, आगे और भी बदलाव दिखाई देंगे। 75 वर्ष हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत पीछे रहे हैं और व्यापारी भी अपनी अपनी रोजी रोटी कमाने में इतना व्यस्त रहा, लेकिन धीरे धीरे करके व्यापारियों को समझ में आया। एक समय ऐसा था कि जब व्यापारी कोई आता था उनकी दुकान पर, कोई टैक्स लेने आता था या कहीं व्यापारियों को किसी बात के लिए कोई बात करने के लिए इंस्पेक्टर आता था, तो व्यापारी वहां से अपनी दुकान बंद करके चला जाया करता था। व्यापारियों से इतना डरता था व्यापारी। आज वो समय आया है, व्यापार मंडल के गठन होने के बाद ही वो समय आया है कि व्यापारी अपनी समस्याओं को इंस्पेक्टर से बात करके, सामने बात करके अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हुआ है। तो थोड़ा सा समय लगा है इसमें, लेकिन समय लगने के साथ साथ बहुत जागरूकता भी आई है। तो 75 वर्ष बाद ही सही, लेकिन महिलाओं का धीरे धीरे करके महिला शक्ति, जैसा कि हमारा शासन भी, हमारी सरकार भी इस समय महिलाओं को सहयोग कर रही है, महिला शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है, महिलाओं को सहयोग प्राप्त हो रहा है सरकार के द्वारा, उसी तरह से धीरे धीरे करके महिलाएं आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रही हैं। महिलाएं अपने आप को कमज़ोर ना समझें, इसके लिए विशेष रूप से किसी की आवश्यकता होती है जो उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करे, तो व्यापारी संगठन ने उनको आगे बढ़ाने का एक प्रयत्न किया है और जब जब प्रयत्न किया जाता है तब तक सफलता प्राप्त होती है और इस प्रयत्न में मैं पूरी तरह से आपके साथ रहूँगी। इस मौके पर जिम्मेदारी मिलने के बाद नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अनीता जायसवाल ने कहा कि वह महिला उद्यमियों को तेजी से आगे जोड़ेंगी और अब अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए वह खुद ही पहल करेंगी। जैसा कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है, मैं अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए आज मेरी
प्रदेश पदाधिकारियों की टीम का गठन हुआ है। मैं हर ज़िले में अपनी टीम को गठित करके हर ज़िले में अपने व्यापार मंडल की महिलाओं को एक शक्ति के रूप में, जो कि हमारे संगठन के द्वारा सभी महिलाओं को जोड़ने का और सक्रियता के साथ अपने अपने व्यापार उद्योग को और मजबूती के साथ अपनी बात को रख सकें, कर सकें, ऐसी मैं उनमें शक्ति आए, ऐसी मैं उनकी टीम को अपनी गठित करूंगी, जिससे वो और जागरूकता के साथ अपना काम कर सकें। महिला उद्यमियों को जोड़ने के संकल्प के साथ नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि एक सम्मेलन भी किया जाएगा जिसमें महिला उद्यमी ही शामिल होंगी। इसके अलावा 3 सितंबर को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम भारत खबर।